एवरेज वगैरह क्या निकालते हैं इससे? एवरेज इसकी शहर के अंदर 7 से 8 किलोमीटर, हाइवे पे आप चले जाओगे 10 से 11 किलोमीटर बस। मतलब हाईवे पे भी चले जाए 10 से 11 बहुत ही कम है, मतलब क्या कर ले बंदा? सफेद आती है जी उस मामले में। अच्छा, तो आपने फिर क्या किया एवरेज के लिए? एवरेज के लिए मैंने एक एलपीजी किट लगवा रखी है। हेलो भाइयों, मैं हूँ रमन भाई, ये है Hyundai Sentro 2005 मॉडल है। तो आज आप इसका ओनरशिप रिव्यू लेंगे कार के ओनर से। जैसे कि इस गाड़ी में अपने को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, क्योंकि लगभग इसे 17 से 18 साल हो गए हैं। तो चलो भाइयों, चलते हैं गाड़ी के ओनर के पास। तो कैसे हो भाई साहब? बढ़िया। आपका नेम? निशान मदान है। अच्छा, तो ये कौन सा मॉडल है गाड़ी का अपना? ये जनवरी 2005 है। जनवरी 2005, तो लगभग 17 साल हो गए हैं। तो उस टाइम क्या कॉस्टिंग थी इसकी? इसकी 3.5 लाख की पड़ी। 3.5 लाख की, मतलब एक्स शोरूम या ऑन रोड? ऑन रोड। ऑन रोड, अच्छा, तो ऑन रोड 3.5 लाख। उस टाइम अगर 2005 के हिसाब से आप बात करते हैं, 3.5 लाख की ऑन रोड थी। अगर कोई बंदा 3.5 लाख का बजट लेके चलता था उस टाइम, डॉक्टर ही लेते थे मोस्टली ये। हाँ, तो मतलब इसके अलावा और कौन सी चॉइस थी गाड़ियों में? वैगनर। अच्छा, इंडिका। इसी प्राइस में आ जाती थी वो, लेकिन इतना कंफर्ट नहीं था किसी में। अच्छा, तो आपने यही क्यों चुनी फिर? कंफर्ट के कारण। बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर करते थे इसको पसंद ज्यादातर मैक्सिमम। हाँ, उस टाइम इसका नाम था रुका था। अच्छा अच्छा, इस वजह से। तो अभी तक 17-18 साल में कितनी चला दी है लगभग? मेरी 1 लाख प्लस है ये। लाख प्लस? अच्छा, हाँ कम चलती। अच्छा, तो ये पेट्रोल में है? पेट्रोल। अच्छा, तो 1 लाख के दौरान मतलब सर्विसेज वगैरह तो बहुत हुई होंगी इसकी? बिल्कुल हुई है जी, बाहर से कराई है पर मैंने सर्विसेज सारी बाहर से। शुरू से बस शुरू की जो होती हैं 2-3। हाँ हाँ, वो साल भर की। हाँ वो कंपनी से, बाकी बाहर से। अच्छा, उसकी क्या कॉस्टिंग वगैरह आती है? बाहर से कराओगे तो आपकी 1500 में हो जाएगी। अच्छा, और अगर एजेंसी में? एजेंसी में 3-3.5 हज़ार थी। अच्छा, 1500 वगैरह आज का टाइम पे देखे तो 1500 की बाइक वगैरह की होती है। बिल्कुल होती है, 1500 देख लो बाबा। हाँ मतलब, और अब क्या कॉस्टिंग आती है इसकी? अब तो नानी बंदी कर दी, अब भी यही है कॉस्टिंग बा। अच्छा, उस टाइम थोड़ी और कम थी, 1000 रुपये भी थी बाहर की। हाँ, आज के दिन 1500 है इसकी। अच्छा, तो जैसे कि आप इसका टायर साइज देख रहे हैं, तो टायर साइज थोड़ा मतलब मेरे को छोटा लग रहा है, तो इसके कारण मतलब ग्राउंड क्लियरेंस कम है जी इसका? कम है, टच होती है? टच होती है, प्यार से निकालनी पड़ती है। प्यार से निकालनी पड़ती है। अच्छा, कंफर्ट कितने बंदे हैं इसमें मतलब मैक्सिमम? इसमें 4 बढ़िया तरीके से। अच्छा, 2 आगे 2 पीछे। अच्छा, अगर कोई 5वां बैठे हो वो परेशानी होगा? बच्चा ही आएगा आज, बिल्कुल छोटा बच्चा। अच्छा, 4-5 साल। अच्छा, तो अभी तक 17 साल में सेटिस्फाई हो गाड़ी से? बहुत ज्यादा ना इसको देने का मन। अच्छा, तो मतलब अभी तक पासिंग भी जैसे आपने बढ़वा ली होगी, अब तो बढ़ेगी नहीं आगे ना? बाद में दोबारा 5 साल की फिर हो जाएगी। हो जाएगी, ये प्राइवेट व्हीकल है। अच्छा, कमर्शियल व्हीकल नहीं है। कमर्शियल व्हीकल की 7 साल की होती है, लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल होते हैं उनकी 5-5 साल की करती है गवर्नमेंट अभी। तो अब तक मतलब क्यों रख रखी है? मतलब 17 साल हो गए हैं पुरानी गाड़ी का, कुछ बिगड़ा ही नहीं। अच्छा, मतलब 1 लाख चल गई फिर भी सही चल रही है? बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें अपने कोई जैसे ये इसका जो हेडलाइट का सिस्टम है सारा हैलोजन है? सारा हैलोजन है जी, और बिल्कुल जो कंपनी फिटेड है आज तक वही है। अच्छा, तो मतलब उस टाइम प्रोजेक्टर वगैरह तो नहीं आते होंगे? ना, उस टाइम नहीं आते थे। तो इनकी लाइटिंग वगैरह मतलब रात में कैसी है? मेरे को तो आदत पड़ी हुई है। हाँ, लेकिन कोई दूसरा चलाएगा तो उसको कम लगेगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब दूसरा चलाएगा मतलब आज के हिसाब से तो अच्छी नहीं है ये? आज के हिसाब से अच्छी, मतलब प्रोजेक्टर का मुकाबला तो कहाँ करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, लाइट की दिक्कत रहती है और मैं रात को कम ही चलाता हूँ। हाँ, तो मैं इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि इसमें आपने फोग लैंप वगैरह भी नहीं लगवाया? उसका भी बहुत फर्क पड़ता होगा? बिल्कुल फर्क है जी। अच्छा, तो जैसे कि हैचबैक है, तो एवरेज वगैरह क्या निकालते हैं इससे? एवरेज इसकी शहर के अंदर 7 से 8 किलोमीटर। हाँ, हाईवे पे आप चले जाओगे 10 से 11 किलोमीटर बस। मतलब हाईवे पे भी चले जाए 10 से 11 बहुत ही कम है, मतलब क्या कर ले बंदा? सफेद आती है जी उस मामले में। और छोटी गाड़ी है? बिल्कुल। मतलब कोई बड़ी गाड़ी है उससे तो थोड़ा सोचे भी, हाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, कम देगी? बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, तो आपने फिर क्या किया एवरेज के लिए? एवरेज के लिए मैंने एक एलपीजी किट लगवा रखी है। अच्छा, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। हाँ, लाइसेंस की आरसी में चढ़ी हुई है। अच्छा, हाँ जी।
और कंपनी की है। अच्छा, यूनिटेक्स की। तो एलपीजी लगवाने के बाद कैसा है इसका एक्सपीरियंस? एलपीजी के बाद ये है, जहाँ 100 रुपये पेट्रोल है, हाँ, ये 62-63 रुपये पड़ती है। मतलब काफ़ी फर्क पड़ जाता है। बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग का वहाँ फर्क पड़ जाता है। अच्छा, तो इसमें भी ऑयल निकलती है। अच्छा, यूँ नहीं कि उसके अंदर एवरेज कोई इसमें ज़्यादा निकलती हो। सीएनजी में फर्क होता होगा, लोग कहते हैं, हाँ हाँ, लेकिन एलपीजी में वही है। अच्छा, तो जैसे कि आपने एलपीजी सिलेंडर रखा होगा इसमें, कंपनी वाला, तो उसके कारण मतलब बूट स्पेस तो इसका खत्म ही हो गया होगा पूरा? नहीं, वो इसके जो जहाँ पर स्टेपनी होती है वहाँ पे फिट हो जाता है। अच्छा, टायर आपका बाहर आ जाता है। हाँ, तो आप या तो ट्यूबलेस टायर है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो आपको वही बूट स्पेस मिल जाएगा जो पहले होता है। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा लेके चलना है तो फिर कम पड़ जाएगा, बूट स्पेस पहले से कम हो जाएगा। अच्छा, तो उस टाइम स्पीकर्स वगैरह भी नहीं आते होंगे? स्पीकर से इसके अंदर तो ये मैंने उस टाइम जो मॉडल था ये वो टॉप मॉडल नहीं लिया था, नीचे वाला लिया। ये बेस मॉडल है? बेस मॉडल से अप था ये। अच्छा, बीच वाला है। अच्छा, तो उसके अंदर ये सिस्टम नहीं था, मैंने बाहर से लगवाया था। अच्छा, तो मतलब ये भी नहीं पूछ सकते अब तो स्पीकर्स कैसे लगते थे? उस टाइम जे बी एल का लगवाए थे, अब भी नहीं। अच्छा, तो अब मतलब बेचने का कोई इरादा है गाड़ी को? मतलब ही नहीं है ना। अगर गवर्नमेंट इस पर बढ़ाती रही तो मैं इसको चलाता रहूँगा। हाँ हाँ, बाकी गवर्नमेंट अब बिल्कुल बैन कर देगी जब, हाँ हाँ, तब इसको भाई मजबूरी हो जाएगी। हाँ, मजबूरी हो जाएगी। अच्छा, तो फिर उसके बाद कोई लेने का प्लान है गाड़ी का? उसके बाद आज के दिन अगर मैं सोचूं, अरे अभी करती है गवर्नमेंट, हाँ, अब तो चलेगी जिस तरह NCR में नहीं है हमारा, इसलिए यहाँ पर चल जाएगी। अच्छा, लेकिन NCR में नहीं लेके जा सकता। हाँ, आज के दिन मुझे लेनी हो तो टाटा नेक्सन EV लूँगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक लेंगे आप तो? तो जैसे कि आपने है ना इसमें LPG लगवा रखी है, हाँ जी, तो उसमें मतलब मैंने सुना है, जैसे बहुत भाई बताते हैं AC वगैरह अच्छे से वर्क नहीं करता, पिकअप कम हो जाता है ऐसा। ये अब ये बूढ़ी तो होली। हाँ, बूढ़ी तो होली, ठीक है। तो उस हिसाब से कम AC वर्क करता है इसका। अच्छा, कम करता, मतलब गर्मियों में कैसा एक्सपीरियंस है आपको? बस ये है, ठंडी कर देगा, AC वाली फीलिंग देगा, कूलर वाली फीलिंग देगा। अच्छा, कूलर वाली फीलिंग। मतलब ह्यूमिडिटी सी कर देगा? ह्यूमिडिटी नहीं, बस आपको हल्की ठंडक मिलेगी, आपको चिल्ड हो जाओ जिस तरह AC में, वो नहीं। अच्छा, मतलब उससे अच्छा शीशे ही खोल लो अपने। भाई लंबा सफ़र है तो दिक्कत नहीं है, छोटा सफ़र है, शहर में जाना है तो आपको शीशे खोलने पड़ेंगे। अच्छा, तो आज के टाइम पे आपने और भी गाड़ियाँ चलाई होंगी? बिल्कुल जी। तो उनसे मतलब इंटीरियर कंपेयर करो तो कैसा लगता है? इंटीरियर आजकल गाड़ियों का बहुत बढ़िया है। हाँ, प्रीमियम देते हैं। उस टाइम पे इसका सबसे बढ़िया था। हाँ, ये तो है ही। वैगनर देख लेता मैं, इंडिका देख लेता। अच्छा, उस हिसाब से इसका सबसे बढ़िया था सबसे, और आज भी है लुक्स तो। हाँ, लुक्स तो, हाँ, नई वाली वैगनर है जो, उससे वैगनर, सॉरी सेंट्रो, उससे ज़्यादा बेटर है ये, सुंदर। सेंट्रो से जो आज की निकाल ली है, पहले वाली ज़्यादा सुंदर थी जो मेरे पास है मॉडल। अच्छा, तो लेने के बाद आपने जैसे ली, स्टॉक थी गाड़ी, तो उसके बाद क्या कुछ कराया होगा आपने? स्पीकर्स वगैरह तो आपने बताई दिए। सीट कवर, आज भी सीट कवर वही है जो इसके। अच्छा, मतलब 17 साल पुराने। तो ये तो मतलब सही पड़े हैं, नहीं ना ही कहाँ से फटे हुए हैं यार, कहाँ से लगवाए थे? बाहर से ही? ये बाहर से लगवाए थे। अच्छा, और कुछ क्या करवाया था? और म्यूजिक सिस्टम, बस ज़्यादा कुछ नहीं कराया मैंने। अच्छा, मतलब स्टॉक है गाड़ी? बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब सही है, सारा ओरिजिनल है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं कराया। मतलब वही है, स्टॉक ही रखनी चाहिए गाड़ी तो, कुछ चेंज ही नहीं कराना। हाँ, सुंदर भी और मतलब चलती भी ज़्यादा है, सही चलती है। तो इससे टॉप स्पीड क्या निकाली होगी आपने? मैंने इसे अभी तक 120 चलाई है, इसको ऊपर चलाया नहीं है। क्यों? ये गाड़ी जो है ये 90 के ऊपर जब चली जाएगी, हाँ, तो जो आपको यूँ फील लगेगा भाई कुछ आगे आ गया तो रुकेगी नहीं, ब्रेक नहीं लगेंगे इसके ढंग से प्रॉपर, मतलब 80-90 तक इसके ब्रेक लग जाते हैं। तो इसका मतलब एक कोई वो बता दो सबसे, मतलब नेगेटिव बताओ सबसे जो आपको अभी तक लगा हो 17 साल में। 17 साल में एक ही चीज़ नेगेटिव है, इसकी एवरेज नहीं है गाड़ी की। अच्छा, एवरेज से सेटिस्फाई नहीं हो? वो बहुत कम। अच्छा, गाड़ी मस्त लगती है? गाड़ी बहुत बढ़िया, कंफर्टेबल इतनी है कि आप सुबह से लेकर शाम तक चलाते रहो, थकोगे नहीं। अच्छा, तो कितना लंबा रूट मारा इसमें आपने अभी तक, कितने किलोमीटर? इसका मैं मार चुका लगभग 1000 किलोमीटर का। 1000 किलोमीटर में कैसा एक्सपीरियंस है फिर? बहुत बढ़िया, बस एक ही बताया जो नेगेटिव। हाँ, कि भाई एवरेज बहुत कम है इसका।
हाँ एवरेज तो फिर वही है, कहीं ना कहीं तो देखो कोई कोई तो कमी मिलती है। आज के टाइम पे आपने नई वाली सेंट्रो देखी होगी? बिल्कुल देखी है जी। तो रिकमेंड करते हो कोई वो ले? देखो उसे बेहतर काफी आ चुकी है अब तो। हाँ बात ये है उसी बजट में। हाँ ये तो है, पसंद नहीं आई उसकी शक्ल। अच्छा जो नई आई है। अच्छा तो भाइयों ये था कुछ अपना गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो सर आने के लिए अपना धन्यवाद। ओके जी, यू वेलकम। चलो भाइयों हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।